देख लिया सर, देख लिया आपने। अब यकीन आ गया होगा आपको कि मैं सिर्फ फेंका फाकी नहीं करता हूँ, ये सब चल रहा है। सोच भी ना सकते कि मिस चौटाला एक वॉचमैन के साथ इस तरह कमर मटका कर सकती है। सर वो सूरज क्या देख रहे हैं? सर सर कुछ तो नहीं है। सर पूरा तो देखिए अभी। याद सता तेरी जलाए। लगा दिया आग मैडम। जल गया टाइम पास पांडे, गुड वर्क बॉयज। एब खिलाती हूँ मैं इसे 3 किलो खिचड़ी। यही घर है उनका। हम कौन रह रहे हैं? क्या बोले मैडम, कोई तो रहता होगा। अबे तू मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ पहले उनसे। सॉरी अंकल। अंकल एक मिनट, एक मिनट। अरे सुनती हो? सुनो, पुलिस वाले आए हैं। आंटी ने मारा? हाँ ये जो हाथ रोक। हमारी गहना का पता मिल गया क्या? पालक पीस के धर दूंगी। ना ना वो गहना तो ना मिली, पर वो मिला है सूरज। सूरज? हाँ तो उसी के साथ होगी ना हमारी गहना। तेल किसी से खाली है? नहीं उसके संग ना भागी है वो। इब तुम दोनों जरा सोच के हमें ये बताओ कि कोई और है ऑप्शन, मतलब कोई और छोरा जिसके संग भागी हो सके तुम्हारी बेटी। हाँ एक याद आ रहा है मुझे। कौन याद आ रहा है? वो एक, वो हाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड, और उसका नाम है टार्जन। टार्जन तुम्हारी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड है? हाँ। तो अंकल जी आपकी बेटी टार्जन से मिलने जंगल जाती थी कि टार्जन झाड़ियों पर लटक के आता था? हाय हाय ए जी, तुम किसी काम के ना हो। हाँ आधे दिमाग की और बात भी करोगे अधूरी है। न्यू ना बता रहे कि दूसरा टार्जन है, वो वाला टार्जन ना है। मैडम ये दूसरा टार्जन है, उसका नाम है टिंकू टार्जन। पालक पीस के धर दूंगी। मैडम ये वही टार्जन है जिससे हमारी गहना की दोस्ती टूट गई। एक्स बॉयफ्रेंड था ये उसका। पालक पीस के धर दूंगी। अरे रिश्ता अगर टूट गया तो फिर कैसे भाग सकती है उसके संग? अब क्या बताऊं मैडम, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। तो शर्मा लीजिए। एक मिनट। बेटी जब भगी तब तो आई ना बाप को शर्म, बुढ़ऊ को। अब यहाँ पुलिस वालों के आगे खूब शर्मा ले रहा है। हाँ तो शर्माने के बाद मुझे गुस्सा भी तो बहुत आ रहा है ना। तेल की शीशी खाली है। बड़े आए गुस्से वाले। हाँ अरे तुम्हारी वजह से हमारी बिटिया गायब हुई है। हाँ अरे उस वक्त ना गुस्सा आया, उस वक्त नजर ना रखी कि बिटिया कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। हाँ अब आ रहा है गुस्सा, अब आ रही है शर्म। हाँ पालक पीस के धर दूंगी। ओ आंटी ऐसा है, जरा सा कीमती हो रहा पुलिस वालों का टाइम। अपने पति को जो है ना हमारे जाने के बाद धो लेना, पीट लेना, चाहे निचोड़ के सुखा देना तुम तार पे। अभी जरा उस टार्जन का कोई पता ठिकाना एड्रेस कुछ बेरा है तो बता दो। अरे है ना उसका पता है। अरे तुमने झाड़ू तो ना लगाई रसोई में? वहां धरा मैंने पर्ची पे लिख के है ना। पालक पीस के धर दूंगी। एक मिनट जरा आना, इधर आना आंटी। आंटी जाइए। पालक पीस के धर दूंगी। 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 हाय मैडम मैं भी खेलूं एक बार। क्यों नहीं, एड्रेस लिखवा ले जरा आंटी से। ओ ले आओ जरा टार्जन का एड्रेस। और तुम कौन से जमाने की स्टाइलिंग में तुम्हारा विश्वास चल रहा है यार? है सफेद तुम्हारा पजामा, भिजी हुई बिल्कुल ही है ना शर्ट, ठूस रखी, सफेद मूछ, काले बाल, जेल लगे हुए हाथ में, झाड़ू, काले जूते तुम्हारे, इसलिए भगी है बेटी माँ बाप का बवाल देख के बिल्कुल ही। पागलों का घर है मैडम, अंग्रेजी भी बोलते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स कैसे बेरा तुम्हें? एक्स बॉयफ्रेंड का मतलब एक्स वाई जेड मींस। ये अरे यहाँ तो ताला है, ये क्या घोटाला है? अरे वाह 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 वाह, क्या शेर अर्ज किया हुजूर। टर्टर मेढक करते हैं बरसात में। बरसात में वाह वाह, अगली लाइन में गौर फरमाइएगा।
क्यों यार? गरम गरम पकौड़े की याद सताती है हमें रात में। वाह मतलब शेर के अंदर पकौड़े भी आ गए, कमाल। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो है टिंकू टार्जन नाम का लड़का। जब जब कैटरीना कैफ को देखा मेरा दिल धड़का। पुलिस वाले भाई साहब, हम भी एक शेर सुनाएंगे। इरशाद, बचपन से शायर हूँ, मतलब अर्ज किया है कि दाद दीजिएगा जरा। हाँ देंगे देंगे देंगे, दाद चाहूंगा आपसे। मतलब हम देंगे देंगे देंगे, मतलब आपकी दाद मिलेगी तो बहुत खुश हो जाऊंगा। देंगे देंगे दाद देंगे देंगे दाद देंगे देंगे देंगे, ठीक है तो दाद दीजिएगा आप भी। मतलब टिंकू टार्जन कहीं कर रहा होगा मटर गश्ती। टिंकू टार्जन कहीं कर रहा होगा मटर गश्ती। क्यों चिचोरा है कहीं का वो? अकेले चला रहा है बेचारा लाइफ की कश्ती। वाह वाह वाह, हुजूर कमाल कमाल, हुजूर कमाल कमाल। अरे कुंवारा है, अकेला है। एक और है, ये लास्ट है। तुमको दाद चाहिए? नहीं, कुंवारा है, अकेला है। ओहो अकेला है। हमारी इस बस्ती में शायरों का मेला है। फुर्सतिया फोकतिया कहीं के, यहाँ पे क्या मुशायरा चल रहा है यहाँ पे? हमको उसको ढूंढना है टिंकू टार्जन को, वरना मैडम हमारा ऑर्केस्ट्रा बना देंगी गुलगुले जी। करेक्ट, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। क्या ये शायरी वायरी सुना के टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा है? अब ये बताओ कि ये जो टिंकू टार्जन यहाँ पे रहता है वो क्या है, 3-4 दिन से गायब है? अरे नहीं साहब, सुबह ही दिखा था मैं। कहाँ देखा था? यहाँ तो ताला लगा हुआ है, घर में कोई है नहीं है, तो फिर कहाँ मिलेगा टिंकू टार्जन? अरे पुलिस वाले भाई साहब, वो देखिए वो हमारा टिंकू टार्जन। वो है, देखिए निकलो निकलो, तुम लोग निकलो निकलो। एक शेर और, लास्ट समझ भी नहीं पाओगे हमारी फुर्सत। तुम हो टिंकू टार्जन? हाँ मैं हूँ टिंकू टार्जन, ऊपर से नीचे तक। लेकिन टार्जन तो पूरे कपड़े पहनता है। और अगर तुम टार्जन हो तो रस्सी पकड़ के क्यों नहीं आए ऐसे? अच्छा तो तुम हो टिंकू टार्जन। एक मिनट, एक फोटो ले लेते। नहीं मैडम को दिखाने के काम आएगी, बुरी आई है। ठीक है अच्छा दिखता। अच्छा एक बात बताओ के, और सच सच बताओ के गहना कहाँ है? कौन गहना? ऊपर से नीचे तक। है, है। वो गहना जिसके साथ मिलके तुमने चोरी की, वो गहना जो तुम्हारी पुरानी सेटिंग थी, वो गहना जिसके साथ तुम गायब हुए। अब जल्दी जल्दी बता दो वरना हमारी मैडम तुम्हारी वो सुताई करेंगी, वो सुताई करेंगी ऊपर से नीचे तक। एक मिनट भाई साहब, अगर मैं गायब हूँ तो मैं यहाँ कैसे हूँ? और अगर मैंने चोरी की है तो मैं मोहल्ले में कैसे घूम रहा हूँ ऊपर से नीचे तक? ओ ये टार्जन की बात में पॉइंट है, पॉइंट है। और हाँ रही गहना की बात, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे मैंने पिछले कई महीनों से इससे बात तक नहीं की है। अरे मुझे कुछ नहीं पता ऊपर से नीचे तक। सर खाना हो रहा है ठंडा इज़्ज़ा, मेरी सास ने मारा मुझे डंडा इज़्ज़ा। मानो अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते गोपी, और वो लड़की किसी वॉचमैन के साथ नाच गा रही होती तो तुम क्या करते? मैं खाना ना खाता सर। हम भी खाना नहीं खाएंगे। नहीं सर, खाना तो आपको खाना पड़ेगा सर, खाली पेट ऐसे थोड़ी होता कुछ। भूख लगी है? मान लो अगर भूख लगी होती तो मैं तो इस मौके पर तुम क्या खाते? सर मैं खिचड़ी खाता। तुम भी खिचड़ी खाएंगे? कितनी खाते बे? 3 किलो। 3 किलो मंगाओ जल्दी खिचड़ी। ओके क्या बात है, क्या बात है? हमारी चौकी के अमर अकबर एंथोनी, राहुल सचिन धोनी, क्यों इतने खुश नजर आ रहे हो कि सल्यूट करना भी भूल गए? या मॉम, आपकी लाइफ में है बाहर आने को, सर ने मंगवाई है खिचड़ी खाने को और वो भी पूरी 3 किलो मैडम। आहा।
मतलब मैडम आप समझ लीजिए आपका टाका भिड़ गया। मेरा मतलब है समझ लीजिए काम हो गया। मैडम सर जल के कुप्पा हो गए कुप्पा, और कोई भी इंसान जल के कुप्पा तभी होता है जब उसे किसी से प्यार हो जाए है? और जिससे उसे प्यार हो जाए वो इंसान किसी और के साथ में रंग रलिया मतलब घूमे फिरे कुछ सेटिंग करे मतलब। यार मन ने तो बिलीव नहीं हो रहा यार कि सर ने जो है खिचड़ी खा ली। इसका मतलब वो हमारे से प्रेम करे। यस यार प्लीज जरा ना चौकी में तमीज से रहा करो। ये पापा जरा एक कोड ऑफ कंडक्ट हो बे, सलूट मारो। उसका क्या हुआ अपना टिंकू टार्जन वाला? वो बेकसूर है मैडम, हम उसके घर गए थे और वो अपने घर पे मौजूद था। हाँ मैडम उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो कहीं गायब भी नहीं हुआ। हाँ मैडम वो अकेला रहता है और उसके घर का ताला खोल के हमने घर भी चेक वेक किया, सब ठीक है मैडम। अब ये उसकी फोटो भी खींच के लाए हैं, देखिए। जो टिंकू टार्जन से क्वाइट अ बियर्ड लुकिंग मैन। मिस चौटाला, मिस चौटाला सर, अरे अरे सर क्या हो गया? ओ माय गॉड, लगता है सर के पेट में हो रहा है दर्द इज द आई लाइक अमिताभ बच्चन की मर्द इज द। चौटाला बूढ़ा हूँ सही कह रहा है, हमने 3 किलो खिचड़ी खा ली बे, हमारा पेट दर्द से फटा जा रहा है, अब हम ना बचेंगे, अब हमारी खिचड़ी सीधे ऊपर जाके हजम होगी। अरे नहीं नहीं सर कैसी बातें कर, ये खिचड़ी लाया कौन था? Well, I am. अरे मैडम लेकिन आप ही ने तो कहा था लाने के लिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं। सर सर अरे सर मैं मेडिकल से दवाई लेके आती हूँ। ओके हम चले जाते हैं मैडम। लगता है किसी ने सर की खिचड़ी पे नजर लगा दी। तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? ₹300 हो गए जी। लो यार चिंता क्यों करो, थैंक यू। हाँ जी मैडम क्या दूं? सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द या बुखार? बाकी दुकान चल रही है घाटे में, चना मिलाया आटे में। हाय ये जो लौंडा गया है अभी भी यहाँ से, हाँ जी हाँ जी, ये कौन सी दवाइयां लेके गया है? ये जी ड्रेसिंग का सामान लेके गया है, थोड़ी एंटीसेप्टिक क्रीम है घाव शाव भरने के लिए, टिंचर है, पट्टी है, बाकी एंटीबायोटिक है। अरे पर इसको देख के ये तो ना दिखे कि इसको कोई चोट वोट लगी हो। हाँ जी ये तो बिल्कुल चंगा वाला मुंडा है, मुस्टंडा है बिल्कुल जी। हैं जी बाकी किसी और के लिए दवाई लेके गया होगा? किसी और के लिए? पर यो तो अकेला रहे और यो तो इस इलाके का भी ना है तो फिर यहाँ। ओ मैडम जी मेरे को क्या मालूम वो अपने लिए दवाई लेके गया है किसी और के लिए, मेरी तो दवाइयों की दुकान है, जो आता है मैं दवाई दे देता हूँ। एक बात सुन, तू जो है ना पेट दर्द की कोई बढ़िया वाली दवाई लेके ईमान चौकी भगले, वहाँ हमारे सर जी की जो है तबीयत खराब हो रखी, सही है? और ये शटर गिरा ले जल्दी भगले। मैडम अभी कैसे शटर गिरा दूं? भाई जिंदगी का शटर गिर जाए उससे तो बढ़िया है ना दुकान का शटर गिर जाए। अभी करता हूँ जी बंद शटर। मत रो घना, मत रो, देख मैं तेरे लिए दवाई लाया हूँ। अब मैं रेडियो में एक अच्छा सा गाना सुनूंगा और फिर तेरी चोट पर दवाई लगाऊंगा।
टिंकू मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो ना। क्या क्या कहा, क्या बिगाड़ा है? मेरे प्यार को ठुकराकर तुमने सूरज के प्यार को अपना लिया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? ना घैना ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे मालिक के घर पे चोरी की और इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा, अब तुम यहाँ पर हो मेरे पास, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जाको राके साईया मार सके ना कोई। हाँ मैं चंद्रमुखी चौटाला, कहने के लगा कि तू अपना यो खेल खेलेगा और पुलिस बस हाथ मलती रह जाएगी। मैडम मैडम मुझे बचा लीजिए इससे। टेंशन ना लगे ना, मैं आ गई हूँ ना, तैने भी ले जाऊंगी यहाँ से और इसने भी। सावधान है जी। हाँ जी, मैं स्टिक फाइटिंग में ब्लैक बेल्ट हूँ और आप मेरे बारे में नहीं जानती, मैंने इस डंडे से एक बारी में 50-50 आदमियों को एक साथ पीटा है और एक बार तो कॉलेज में मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसी काय में ब्लैक बेल्ट चैंपियन है तू? मैडम स्टिक फाइटिंग में। और मैं स्लैपस्टिक। टिंकू टार्जन यू आर अंडर अरेस्ट।